आपको सताने वाले, आपको चोट पहुंचाने वाले आपके चारों तरफ होते हैं। ऐसी स्थिति में करा क्या जाए? बाहर से आप समस्या का निवारण करने की चेष्टा कीजिए, जो आप कार्य करते हैं, मतलब बाहर से हल्का फुल्का गुस्सा दिखा सकते हो, भीतर से शांत रहना। राम जी युद्ध लड़ते हैं, लेकिन युद्ध में भी धर्म है, मर्यादा है। वहाँ भी इस बात का ध्यान है कि हमारे गुस्से में भी हमसे पाप ना हो जाए। रावण राम जी से जब युद्ध कर रहा था, तो युद्ध से पहले नियम बनाए गए। नियम बनाए गए कि जैसे ही सूरज छिपेगा तो उसके बाद युद्ध बंद कर दिया जाएगा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलेंगे, और कमर से नीचे आघात नहीं किया जाएगा, कटी प्रदेश से नीचे आघात नहीं होगा, दूसरे का मान का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब दो देश लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई ना हो, बहुत सारे नियम बने। लेकिन रावण आश्चर्य करता है, वो कहता है कि लड़ाई में भी कोई नियम होता है? लड़ाई में तो कोई नियम नहीं होता, कुछ भी करो। राम जी ने जो सूचना भेजी कि ये नियम होंगे, उसने कहा ठीक है। मंत्रियों ने पूछा कि आपने हाँ कैसे कह दी? बोले जिन्होंने नियम बनाए सारे नियम उनके लिए, हमने कोई नियम मानना ही नहीं, इसलिए हमने हाँ कर दी। अब युद्ध जब चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि रावण अपनी माया वाला रूप धारण करके, छद्म रूप, जिसमें कभी दिखाई दे और कभी ना दिखाई दे, कभी आंख से ओझल हो जाए, धोखाधड़ी करते हुए युद्ध लड़ रहा था। और अचानक एक मौका ऐसा आया कि राम जी के बाण के सामने आ गया। जैसे ही राम जी बाण छोड़ने वाले थे, उनको पता था कि रावण के मरते ही आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। जैसे प्रत्यंचा पर अपना तीर चढ़ाया, बाण को खींचा और रावण की तरफ निशाना लगाने लगे, तो एक बार ऊपर की तरफ देखा, देखा तो एक छोटा सा बादल का टुकड़ा सूरज के ऊपर आ रहा है हवा के कारण। राम जी को लगा कि अभी सूरज छिप जाएगा और रात शुरू हो जाएगी। उन्होंने अपना तीर छोड़ते छोड़ते रोक लिया और रोक करके नीचे कर लिया और फिर ऊपर की तरफ देखा। रावण ने भी ऊपर की तरफ देखा और देखते कहा आप बच गए। और जैसे ही घोषणा कर दी गई राम जी के ओर से कि आज का युद्ध समाप्त है, कल युद्ध किया जाएगा, कल लड़ाई लड़ी जाएगी, रावण का रथ आगे बढ़ा और रावण वहां से बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारे सामने एक बड़ा मौका आया था युद्ध जीतने का, और तुमने मौका गंवा दिया। अब रावण किसी से मरने वाला नहीं है, तुम अपने धर्म और नियम के कारण आज एक बहुत बड़े अवसर से चूक गए हो। सुनना था राम जी उसी समय बोले कि हमारा युद्ध युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, तुम्हारा युद्ध अधर्म युद्ध है, तुम्हारे अधर्म के कारण तुम्हारी मौत तो पहले ही निश्चित है, थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन हम अपने युद्ध में भी अधर्म नहीं होने देंगे, हमारे साथ नियम ही चलते हैं, कायदे कानून चलते हैं।
इसलिए राम जी को साक्षात धर्म का विग्रह कहा गया कि धर्म को अगर चलते फिरते देखना है तो राम जी को देख लीजिए, धर्म समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुस्से में आकर, लड़ाई में आकर लोग कहीं तक पहुंच जाते हैं। दो भाई लड़ने लग गए, गालियां देने लग गए, माँ बाप को गाली जा रही है, भाई बहन को गाली दे रहे हैं, माँ को गाली दे रहे हैं, बेटी को गाली दे रहे हैं, मर्यादा भूल गए। इस समाज में, इस समय कलयुग में आकर जितना मर्यादा हनन हुआ है इतना कभी भी नहीं हुआ। इसलिए जितना आज राम की आवश्यकता है इतनी शायद पहले कभी नहीं थी। आज उनकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। लौकिक प्राणी कोई भी क्षुब्ध नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, अशांत नहीं होता, और किसी को, जो आदमी किसी को क्षुब्ध करे ही नहीं, पीड़ा दे ही नहीं, बेचैन करे ही नहीं, अशांत करे ही नहीं, लेकिन साथ में एक गुण और, किसी को पीड़ा तो देनी नहीं, तुम्हें पीड़ा देने पर खुद अशांत भी नहीं होना, अपने आप को संभाले रखिए। तो समाज में कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव होता है उद्विग्न होते रहना। कुछ भी कर दीजिए उनके लिए, उनकी इरिटेशन जाती नहीं। किसी के घर में सास ऐसी होती है, बहू हजार प्रयास कर ले, सारे काम करे, सारा दिन उसकी परिक्रमा करे, सारा दिन उसके चक्कर काटती रहे, लेकिन वो न कभी शांत होती, न कभी आनंदित होती, न कभी खुश होगी, न कभी थैंक्स करेगी, और न कभी ये कहेगी कि बेटी तू इतना थक गई होगी, थोड़ी देर चैन से बैठ जा, या घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, तू ही करती जा रही है, मैं भी तेरा साथ देती हूँ। तो कुछ का स्वभाव उद्विग्न होने का है। किसी का बॉस ऐसा, किसी का मालिक ऐसा, किसी का किराएदार ऐसा, और किसी का मालिक, मकान मालिक ऐसा। पूरी दुनिया भर में आपको दिखाई देंगे ऐसे लोग जो उद्विग्न रहते हैं, जो इरिटेट रहते हैं, जो बेचैन रहते हैं, और बेचैन रहते नहीं, बेचैन करते भी रहते हैं। ऐसे लोगों के कारण दुनिया बहुत दुखी है। इस व्यवहार में अच्छा बुरा करने वाले लोगों के बीच में जो अपने मन को संभाले रखता है, अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखता है, अपने भीतर के प्रेम को बनाए रखता है, जिसके अंदर क्षमा का गुण भी है, बर्दाश्त का गुण भी है, निभाने का गुण भी है, और जो वातावरण को भी शांत बनाए रखता है, वातावरण में मधुरता बनाए रखता है, और कड़वाहट वाले व्यक्ति के अंदर भी शांति बसा दे, बिगड़े हुए माहौल को सुधार दे, दुख का वातावरण हो वहां पर भी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके खड़ा कर दे, ऐसा जो व्यक्ति है भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है, वो मेरा आशीर्वाद का पात्र है।